हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सार में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि डीपी स्विच प्रॉपरली कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाने को ना भूले। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये है कि जब भी हम इस चैनल पे कुछ नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, डीपी स्विच कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका कोना डीपी स्विच, ये कोना कंपनी का है। चलिए मैं उसको खोल के दिखाता हूँ, इसको कनेक्शन कैसे दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें स्क्रू भी दिया गया है, आप लगाना चाहते हैं तो स्क्रू का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर भी बोर्ड वो पे डीपी को बैठाना है पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये डीपी में आप घर के लोड भी दे सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा लोड है तो ये डीपी मत लगाए, ये लोड नहीं ले सकता, ये ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी जल भी सकता है। इसलिए अगर आपके घर में लोड कम है तो इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मेन स्विच के तक पास बिठा के घर का लोड इसमें दे सकते हो। अगर आपके घर में सिर्फ बॉल फैन की भी इसे चीज़ है तो आप इस डीपी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका मेन स्विच की तरह काम करेगा। इसको भी हम एसी में लगा सकते हैं, हीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे, इस तरह चीज़ के लिए इस डीपी स्विच का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले इसको स्क्रू को खोलना पड़ेगा। देखिए यह आपका इसका अंदर ये है, इस तरह इसमें आपका कनेक्शन कहाँ देना है। चलिए मैं आपको कनेक्शन कहाँ देना है पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आपको जानने में कोई तकलीफ नहीं होगा, इसमें पहले से भी एक इसमें है लिखा हुआ है, एल जो लिखा हुआ है, आपको इस लेफ्ट साइड में न्यूट्रल लगाना है। आप देख रहे होंगे इस तरह आपका न्यूट्रल लिखा गया है और इस तरह आपका एल जो लिखा गया है इसमें एल लगाना है। तो चलिए हम इस आपको इस तरह लगा के दिखाता हूँ। पहले इस स्क्रू को खोलिए, एक खुल गया, दूसरा को भी इतना खुलना है। यहाँ पे आपका करंट इनपुट होगा, लेकिन इसे लिए वायर से पावर देने के लिए, करंट सप्लाई देने के लिए इसी तरह वायर को लगा रहा हूँ। वायर को आप ये देखिए दोस्तों, इसमें होल बड़ा है, इसलिए आपको वायर को इस तरह घुमा के लेना पड़ेगा, नहीं तो पतला होगा तो ये निकल जाएगा टाइट करने के बाद भी। आप इसमें हीटर आराम से लगा सकते हो, इसमें हीटर लगाने के लिए आपको 2.5 वायर इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो 4 mm वायर होगा तो इसमें लगाइए, ये चलेगा। नहीं तो सबसे सस्ता आपको सर्विस वायर होगा, 4 mm सर्विस वायर लीजिए, इसमें कनेक्ट कीजिए, आपका सप्लाई ठीक से चलेगा। देखिए यहाँ पे आपका न्यूट्रल लगा, दूसरी तरफ आपको फेज लगाना है, इस तरह आपका लगा। दोस्तों लोग क्या करते हैं, जब फेज इनपुट करते हैं सप्लाई देते हैं तो फेज को इनपुट को इस तरफ लगाते हैं, ऊपर हिस्से में लगाते हैं, हमेशा फेज इसमें फेजो न्यूट्रल या जो आपका है करंट इनपुट यहाँ से नीचे से देना है, ये ऑन करने से आपका करंट सप्लाई होगा। चलिए मैं आपको सिर्फ एक बल्ब लगा के दिखा देता हूँ, जैसे सिर्फ एक सीरीज टेस्ट लैंप है, सिर्फ एक आउटपुट सप्लाई टेस्ट करने के लिए आपको एक बल्ब लगा के दिखा रहा हूँ।
आपको उसी तरह न्यूट्रल और उसी तरह फेस लगाना है जहाँ आपका ये लगाया है, यहाँ आपका न्यूट्रल में इस तरफ न्यूट्रल लगाए हैं और इस तरफ फेस, आपको उसी तरह इस सेट में न्यूट्रल लगाना है और इस तरफ फेस लगाना है। इसको आप मोटर में लगा सकते हो, फ्रिज के लिए लगा सकते हो, एसी के लिए लगा सकते हो, आपका घर का जो मेन स्विच है मेन स्विच की जगह इसको बिठा सकते हो। अगर आपका घर में लोड कम है तो उसको लगा सकते हो, आपका लोड ये ले सकता है। अगर एसी होगा घर में तो ये डीपी को मत लगाए, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा या जल भी सकता है। देखिए आपको सिर्फ ये लाइन टेस्ट करके दिखाने के लिए आपको ये तरफ एक फिल्टर लगाया हूँ, बाकी ये रहा आपका लाइन सप्लाई देने के लिए ये वायर। पहले इसमें वायर सप्लाई देखकर दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, इसको पहले इसको ये कवर लगा के दिखाता हूँ, इसमें एक इंडिकेटर है, ये ऑन करने से ये इंडिकेटर जलेगा, आपको जानने के आसान होगा, इसलिए आपको पहले इसको लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने इसको ऐसे ही लगा के दिखा रहा हूँ, जब आप दूर में लगाएंगे तो आप चाह सकते चाहेंगे तो इसको हटा सकते हो, इसको हटा देखे इसे इस तरह वायर ले सकते हो। और मैंने आटा मटा से हो तो लाइन में टोल करते हो, इस वायर को ऐसे लेके दो किलो अंदर लेके इसको लगा देंगे, अच्छे दिखेगा लगा देंगे तो थोड़ा थोड़े तो इसको हटा देंगे। देखिए इस तरफ आपको टेस्ट करने के लिए होटल लगाया हूँ, इस तरफ पावर सप्लाई देख के आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। तो अब इसमें करंट में इनपुट कर दिया हूँ, देखिए ये ऑन करने से इसे जल रहा है। देखिए अब इस आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, आप देखेंगे ये ऑन ऑफ करने से बल्ब जल रहा है। और एक बात दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए आपका ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये कभी क्या होता है, ये जो प्लेट है कपर का प्लेट दिया गया है, ये ओवर लोड होने से कभी कभी कट जाता है, लोग क्या करते हैं इसको ख़राब समझ के फेंक देते हैं। आपको आप चाहें तो इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इस प्लेट अगर कभी भी ओवर लोड पड़ने से ये कट गया तो आपको क्या करना है, एक वायर को ले कर इस तरह वायर को निकाले, उसके अंदर से दो चार वायर को ले कर इस तरह घुमा के इस जम्पर पका दीजिए, ये आपका फिर से नया जैसा काम करेगा, आपका ये प्लेट कट जाना चाहिए। क्या करना है आपको, ये स्क्रू से दूसरे यहाँ पे जो एक स्क्रू है आपको क्या करना है, इसको इस स्क्रू में लगा के टाइट करके एक तरफ आपको यहाँ पे टाइट करना है इसे घुमा के, तो दूसरे तरफ जो ये जो रहा है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दे। अगर इस तरह एक वायर पका देंगे तो आपका ये जो कट गया होगा ये फिर से काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।